भीगना है यार मुझे बारिश। नहीं, घर में पानी आ रहा है लेकिन फिर भी हमको भीगना है। बताओ, डीजे भी आ गया। डीजे तुमको भी भीगना है? नहीं, देखो अभी इधर का धूल तो क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन वही सब धूल ना इधर से ना उधर चला गया। देखो उधर का कैसा धूल दिख रहा है ना, भयानक। रांची का लोकेशन मैं एक भी नहीं छोड़ा हूँ और सब लोकेशन फिर से मैं दिखाऊंगा ही मानसून में एज ए चैलेंज। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉर्मल, वेलकम बैक टू एसपी लाइफ। तो गाइस, आज कहीं जाने का प्लान नहीं है। आज चलो घर ही पे थोड़ा सा सूट वूट करते हैं। देखो हम किट लाए हुए हैं और किसी के साथ सूट करने वाले जानते हो? एक पेड एक्टर है मेरे घर में जो कि काफ़ी सालों से है डीजे, इसी का सूट करेंगे। करेगा सूट करेगा? बता, कुछ बोल ही नहीं रहा है। और एक ये है, ये मेरे घर के बाहर रहता धूप में, यहाँ पर सोया हुआ है। देखो ये लेट गया, ओए उठ उठ, यहाँ पर सोया रहता है कि नहीं? चलो कुछ इन लोगों का पोर्ट्रेट्स खींचा जाए और कुछ कुछ वीडियोस दिया जाए। तो गैस देख रहे हो ना, दोनों कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इतना देर से शूटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों चला गया उधर। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा जानते हो, इसीलिए आज घूमने नहीं निकले, नहीं तो निकलते ही निकलते कहीं ना कहीं। मानसून आ नहीं रहा है गैस, बहुत जगह आ चुका है, मुंबई ये सब तरफ आ चुका है, इधर ही रांची आने में ही देर लगा रहा है। जल्दी से आए गैस मानसून, इंतज़ार कर रहे गैस, नहीं तो धूप में नहीं घूम पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है गैस, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा ही बाहर निकले पूरा पसीना भर गया है। डीजे आजा। तो गैस शाम हो चुका है और थोड़ा मोड़ा जो फोटोग्राफी की है हमको आदत नहीं है बोलने, थोड़ा मोड़ा जो किए उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा शुभम प्रकाश 9130 पर, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उस पर दिख जाएगा। बाकी अभी निकलते हैं दोस्त के पास से, एक मयंक के पास निकल रहा है जो काफ़ी ऐसे, इसका भाई मौसम अभी बढ़िया है, थोड़ा सा काला किया बादल तो गर्मी नहीं, गर्मी है लेकिन बस बारिश नहीं हुआ और काला बादल भी कर दिया है। तो देखो उसका जाते हैं भाई, अरगोड़ा चलते हैं, देखो उधर ही रहते हैं थोड़ी देर फिर वापस आते हैं। तो गैस काफ़ी दिनों बाद हम ये छत पर आए हैं, बहुत दिनों बाद आए इसलिए अपने दोस्त से मिलने आए हैं। और यहाँ से पूरा रांची दिखता है, देख रहे हो मानसून पूरा रांची का क्या ही सुंदर दिख रहा है ना, सुंदर तो है बस बारिश नहीं हो रहा है और कुछ नहीं। देख रहे हो गैस, देखो थोड़ा सा नज़ारा देखो, खड़े अभी इन लोगों के साथ और उधर बारिश आ रहा है, देखो पूरा धूल धूल हो गया है रांची का उधर, मस्त। तो बारिश का इंतजार था, यहाँ आए और घोड़ा आए तो बारिश आ गया अपने तरफ, हवा तो आ गया गैस, बारिश भी आ जाए तो बढ़िया बात है, आज तो भींग के जाएंगे मस्त नाचेंगे भाई, बारिश ठंडा लग रहा है गैस। देख रहे हो हालत, हमको लगा बारिश होगा, बारिश की जगह ये हो रहा है, देखो खाली धूल धूल भर गया पूरा आस पास, यहाँ तक धूप आ रहा है, तो सातवां फ्लोर तक धूप आ रहा है, मतलब धूप बोल रहे यार, सॉरी धूल सातवां फ्लोर तक धूल भर गया, देखो आँख में मेरे को यहाँ तक लग रहा है, हमको लगा बारिश हो रहा होगा। देखो अब सब बराबर दिख रहा है, उधर का भी जगह सब धूल है, बारिश कुछ नहीं है, पता नहीं चलता ही गाइस। रांची का मौसम पर हवा बढ़िया चल रहा है, रोज जानते हो रांची में यही होकर बस बारिश नहीं होता है, बस यही होता है और फिर बारिश नहीं होता है। सोचे तो कितना बढ़िया बारिश होगा, इधर होगा, मेरे तरफ तो पूरा धूप था जिसमें निकल रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत बस ये था, लेकिन इधर होगा लेकिन इधर भी नहीं हुआ, बस बादल देख रहे हो कितना काला एकदम पड़ा हुआ है मानसून के लिए। जल्दी मानसून आ जाए यार जल्दी, हम तो भाई प्रे कर रहे हैं ताकि हमको बहुत जगह घूमना है, बहुत जगह बचा हुआ है भाई गर्मी में, तब जाके हम फिर एक अपना नया जर्नी स्टार्ट करेंगे गर्मी में घूमने का, मतलब मानसून में घूमने का, हमको
इसी का इंतजार हो रहा है। और गर्मी में भाई घूमने में हालत खराब हो रहा है ना, इसी वजह से अभी जा ही नहीं रहे हम कहीं। आज भी देखो, आज भी सोच रहे थे कहीं घूमने जाएं, लेकिन देखो आखिरी में मन ही नहीं किया। फिर सोचे दोस्त से मिल के आते हैं, तो दोस्त से मिल लिए। अब यहाँ से निकलते हैं 10 मिनट में कुछ, बाकी हवा एक नंबर चल रहा है। इसका छत पे वाइब आता है भाई, काफ़ी बढ़िया एकदम ऊंचाई पे। यहाँ से रांची जो नज़ारा दिखता है ना, बहुत सुंदर दिखता है, देख रहे हो। नाइस। देखो अब इधर का धूल तो क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन वही सब धूल ना इधर से ना उधर चला गया। देखो उधर का कैसा धूल दिख रहा है ना, भयानक। हवा भी चल रहा है इधर, लेकिन धूल सारा उधर चला गया। मतलब एकदम लग रहा था गाइस, जब धूल आ रहा था ना उधर से, तो लग रहा था एकदम भयानक कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा, फिर आके चला गया। हमको लगा बारिश आ रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं, बाहर में जाकर जूस वूस पीते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से कल्टी मारते हैं घर पे। और उसके बाद अपना मॉनसून का प्लान घर पे ही बताते हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। सोच के तो रखा हूँ, एक चीज़ आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट में बताना, वो करूँ या ना करूँ। तो गाइस फाइनली एट होम, और हवा ही चल रहा है अभी तक, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। देखो कल बारिश आए तो कल कहीं बढ़िया जगह घूमने चलते हैं, लेकिन आ जाए भगवान, प्लीज़ भगवान करवा दे यार, बारिश करवा दे, भीगना यार मुझे बारिश। नहीं नहीं घर में पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको भीगना है। बताओ डीजे भी आ गया, डीजे तुमको भी भीगना है? नहीं ठीक है, मत भीगना, हम अकेले भीगेंगे गाइस। तो जानते हो मॉनसून में क्या शुरू करने वाले हैं? तो हाँ गाइस, मॉनसून का ही वेट चल रहा है भाई। ट्रैवलिंग एक नशा चढ़ गया है मुझे, जो कि करना है और एज ए प्रोफेशन बनाना है, तो इसलिए मैं मॉनसून का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। और चैलेंज बताने वाला था ना, तो चैलेंज में कुछ ऐसा है ना कि फिर से मॉनसून आएगा ना, तो जैसे हम एक बार चैलेंज किए थे ना 2 महीना पहले, मतलब 1 मंथ पहले, कि 30 डे 30 लोकेशन चैलेंज जिसमें किए थे, जिसमें सारा लोकेशन दिखाया था, रांची का दिखाया था, बाहर का दिखाया था, लेकिन उसमें कुछ कुछ मिसिंग था। मिसिंग क्या था ना कि वाटरफॉल्स मिसिंग था उसमें, क्योंकि गर्मी का दिन था भाई, समर में पानी तो रहता नहीं है कोई वाटरफॉल में, तो वहाँ का खूबसूरती कैसे दिखाएंगे। और अब जो मानसून आएगा ना, इसमें भाई खूबसूरती दिखता, वाटरफॉल्स ये सब का अलग लेवल का। तो भाई इसलिए इंतज़ार चल रहा है बस मेरा मानसून का, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरत खूबसूरत वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ, रांची का ही दिखाऊंगा। बाहर के लिए भी मेरे पास वैसा बाइक नहीं है, स्कूटी से हम बाहर नहीं जा पाते, तो रांची में ही पूरा हम कोशिश करते हैं, आसपास ही कोशिश करते हैं कि जितना दूर तक जा पाएँ, आप लोगों को दिखा पाएँ, बढ़िया सा नज़ारा दिखा पाएँ। हाँ गाइस, ट्रैवलिंग ये है जो हम सबसे बढ़िया करते हैं, और उसका वीडियोज़ बढ़िया बनाते हैं। व्लॉग में बोलोगे कि बोरिंग हो जाता है, ब्लॉग में बोरिंग थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर देखोगे ना, इंस्टाग्राम पे मैं बोला हूँ हमेशा से कि सोम प्रकाश पे अगर देखोगे ना, तो उससे काफ़ी बढ़िया जाता है अपना वीडियोस। तो इसीलिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और गाइस मेरा ब्लॉगिंग चलता है, तो मेरा लाइफ है, तो लाइफ स्टाइल अभी आप लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आता होगा, या फिर आता भी होगा गाइस अगर दिल से सपोर्ट करते होगे तो। बाकी देखो गाइस, मॉनसून का इंतजार चल रहा है, सिर्फ बादल अभी भी गरज रहा है, लेकिन और ये ग्लिटर अभी भी दिखा रहा है क्या? थोड़ा सा ग्लिच है आईफोन का ये। हाँ तो बस भाई मॉनसून का इंतजार है। आज भी देखो नहीं हुआ बारिश, आज भी सोचा था मॉनसून उधर बारिश हो जाएगा, आज लग ही रहा था बारिश हो ही जाएगा, इसलिए सोचे कि आज बढ़िया जगह वीडियो बना लेंगे, मैं इनका छत पर बढ़िया लोकेशन है, पर हुआ नहीं वहाँ पर, कोई बात नहीं। तो गाइज वीडियो को एंड करते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं, प्यार दिखाओ एसपी लाइफ को डेली ब्लॉग के लिए, सब्सक्राइब कर दो, रांची से हो तो गाइज जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई रांची का लोकेशन मैं एक भी नहीं छोड़ा हूँ, और सब लोकेशन फिर से मैं दिखाऊंगा ही मॉनसून में, एज ए चैलेंज ही लाऊंगा। तो गाइज प्यार दिखाओ एसपी लाइफ को डेली ब्लॉग के लिए, सब्सक्राइब ठोक दो, और चलो गाइज बने रहो, बाय बाय, गुड नाइट।